इस टाइम में समय मिलता है, उसको उसमें मिलता है, उसको इसमें मिलता है, और कौन सा समय हमारे लिए सबसे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ आओगे तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहाँ आने के पहले एक घंटा पहले कुछ हल्का फुल्का खा के आना है, एक घंटे के बीच में नहीं खाना है। क्योंकि एक घंटे के बीच में खाओगे तो यहाँ के लिए जो कराएंगी या हम लोग कुछ कराएंगे तो वो फिर आपके लिए फायदेमंद नहीं रहेगा। तो साथ में भले ले आओ यहाँ से कुछ, जैसे आपने खिलाते हैं उनको पौष्टिक, अच्छा तो फिर यहाँ से जो मिलता है वो फिर आपको खाते जाना है। लेकिन यहाँ आने के पहले हल्का कुछ, थोड़ा सा एक रोटी, कुछ फल जो आपको अच्छा लगता है वो खा के आना, ठीक है। ज़्यादा देर भूखे नहीं रहना है, ठीक। और सबसे पहला काम है कि नियम से पैदल चलना, सुबह शाम आधा घंटे रोज पैदल चले तो बेबी हमेशा नॉर्मल होता है, उसको नॉर्मल होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई सीजेरियन की कोई आवश्यकता होती नहीं है, बसते हम पैदल चलें। पैदल चलने से क्या होता है, पेट के अंदर जो बच्चा है उसका भी व्यायाम होता है, आपके पेट का तो व्यायाम होता ही है, उसका भी व्यायाम होता है और वो हेल्दी डेवलपमेंट उसका स्टार्ट होता है। फिर दूसरा है खाने पीने का ध्यान रखना कि कब कब कैसे कैसे खाना है आपको, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए, एक बार में ज़्यादा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए, फिर क्या खाना क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में फिर अपन कल परसों चर्चा करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमको क्या चीज़ नहीं खाना, ठीक है। और पहले दूसरे महीने के बाद जो महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, जब पेट बढ़ने लगता है तो पेट साफ नहीं होता, कब्ज होने लगती है। तो सबसे पहला काम है रोज नियम से आधा घंटे बाद आधा गिलास पानी पीना, प्यास लगी कि नहीं लगी